हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने आरजी चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ में। तो ये देखिए यहाँ का आज का मौसम कैसा है। अभी जो है बारिश हो रही है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। और यहाँ का देखिए मौसम धुंध भी है और बारिश भी है। और यहाँ पर माल्टे लगे हुए हैं पेड़ पे, आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि थोड़ी धुंध है ना। और बबीता जी पूछ रही थी कि आप ड्राई घास को कैसे स्टोर करते हैं, तो आपको थोड़ा सा स्टोर तो हमने कर लिया था, वो तो मैंने वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन ये देखिए, ये ऐसे करके हम स्टोर किए हुए हैं ड्राई घास को। ये देखिए इसको ना, जो वो भी था ना घास, तो जो बांधे हुए घास था वो नीचे रखा है और ऊपर जो है इसको खुला रखा हुआ है, ताकि जो बारिश है ना नीचे ना जाए, तो ये बिल्कुल नीचे ड्राई रहेगा। जब बारिश होती है और ठंडी के मौसम है, इसको निकाल के एक एक करके निकाल के ना डालते हैं गाय भैंस को। तो जब निकालेंगे एक एक करके, तो हमको जब निकालेंगे तो आपको वो भी शेयर करेंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है। ये देखिए, तो ये है ड्राई घास का स्टोर हमारा। और यहाँ ना ऊपर भी रख रखा है अंदर, तो ऊपर भी दिखाती हूँ आपको कैसे रखा है। ये हमारी गाय है, ये मंगू है, और ये वाली सावनी है, और इनका नाम नहीं पता मेरे को। मंगू तो ये ना टाइम टू टाइम खाना मांगती है, बोल के मांग लेती है खाना। ये देखिए कैसे बातें सुन रही है मंगू। और आपको ऊपर का ड्राई घास दिखाते हैं कैसा स्टोर किया ऊपर भी। तो इसको भी हमने क्या है, लेंटर जैसा डाल रखा है, जो काउ शेड बनाया है ना, तो ऊपर लेंटर डाला हुआ है कि स्टोर करने के लिए अच्छा रहता है और जाने के लिए भी इजी रहता है। तो ये देखिए, तो आपको मैं निकाल के दिख, तो मैं ना अभी ना फ्लैश लाइट ऑन की है, तो दिख नहीं रहा था। ये देखिए, ये जो है इतनी बड़ी बड़ी पूलियां ना बांधी हुई हैं। ये देखिए, तो इनको इतनी सारी पुलियों को बांध के ये वाला जो है घास को स्टोर किया है। इसको उल्टा सीधा लगाते हैं, नीचे लकड़ी डालते हैं फिर इसके ऊपर घास डालते हैं, लेकिन ये सब मेरे को नहीं आता करने। ये है यहाँ स्टोर किया हुआ घास। तो अब तक ऐसे करते हैं हम यहाँ स्टोर घास को काउ शेडो के ऊपर भी और यहाँ साइड में भी। तो आपको दिखाते हैं हमारी कैट को कहाँ बैठी है, आग सेक रही है। म्याऊ म्याऊ, ये देखो कैसे आग मीच रही है। ये खाना भी ना प्रॉपर मांगती है। दो हैं और इसकी एक मम्मी है। ले ये ले, नींद आ रही है, है माऊ नींद आ रही है। तो यहाँ का भी मौसम देखिए कैसा है आज। और इस वक्त टाइम 9 o'clock हो रहा है, तो अभी भी लग रहा है कि सुबह ही हुई है अभी। और ये अभी बाथरूम बनाया है ना, तो इसको अभी प्लास्टर वगैरह कर दिया है। ये देखिए, मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी, उस टाइम काम चल रहा था, बहुत कचरा था उस टाइम। तो ये है बाथरूम बनाया है रूम जितना। तो आज है बारिश का मौसम, तो सोच चलो अभी आज जो है चार डाल दें। और ये गलगल लिए हुए हैं और लगभग इनको ना 15 दिन हो गए हैं तोड़ के रखे हुए। तो ये फ्रेश जब होते हैं तो इनका अचार नहीं बनता है, लगभग इनको एक हफ्ता तोड़ के रखना है, तो उसके बाद ही अचार डालना चाहिए। क्योंकि इसका जब हम 15 दिन या एक हफ्ता छोड़ के बनाते हैं ना, तो इसका अचार अच्छा रहता है और काफ़ी दिन तक रुकता है। तो ये मैंने काट लिए थे, तो इनका थोड़ा जो भी है ना जूस, आधा जूस निकाल देंगे और आधा जो है ये गलगल में ही रहने देंगे। तो इनके छोटे छोटे पीसेस काट के फिर हम इनका अचार डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने जो है थोड़ा सा खटियाई जो है इसकी निकाल दी है, तो थोड़ा हल्का ही निकालना है। और ये भी जो खटियाई ली है ना, तो ये भी काम की है, उसको भी हम स्टोर करके रखेंगे खटियाई को। तो ये देखिए मैंने कट करके रख ली है, तो ये कुछ बाकी हैं, बहुत सारे थे तो थोड़ा कटाई निकाल ली और
बाकी का जो है अचार बना ली। दोनों काम आ गए हमारे। तो अचार बनाने के लिए हमने क्या क्या ली है, ये देखिए, मीठी सौंफ और मिर्ची पाउडर और जीरा और मेथी ली हुई है और अजवाइन। तो ये मैंने कटोरी में हल्दी ली है, ये बिल्कुल देसी हल्दी है, और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, और साथ में लिया है जैकरी यानी कि गुड़। गुड़ डाल के ना बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार बनता है इसका। तो चलिए अभी अचार बना लेते हैं। तो ये मैंने सरसों का ऑयल डाला है और ये गर्म हो चुका है। तो अभी सबसे पहले मैं मेथी को डालूंगी। ये देखिए, तो मेथी थोड़ा ब्राउन होने के बाद जीरा और सोए और ये अजवाइन, ये देखिए, ये चिली गार्लिक अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने। हल्का ब्राउन होने के बाद लहसुन को, उसके बाद मैंने अदरक डाल दिया है। देखिए अभी ये थोड़ा ब्राउन होने के बाद इसके बाद में मिर्ची और हल्दी डालूंगी। हल्दी थोड़ा कम लग रही है। ये देखिए मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये है मेथी का पाउडर, भुनी हुई मेथी है उसका पाउडर बनाया है, ये भी थोड़ा सा डाल देंगे क्योंकि तो इसको डालने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अभी धनिया पाउडर नहीं है तो उसको अभी स्किप करेंगे हम। अभी इसके बाद डालेंगे हम, इसके बाद डालेंगे कटे हुए गलगल को यानी कि अचार को। ये देखिए इतना अचार बन रहा। नमकन डालना, नमकन टेस्ट के हिसाब से ये सॉल्ट भी डाल दिया मैंने। आप खट्टा मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और सॉल्ट भी। अभी इसके बाद में हम डालेंगे गुड़ यानी कि जैकरी, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर रखी हूँ, उसके लिए जैकरी डालेंगे। ये है जैकरी यानी कि गुड़, तो इसको भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितना आपको मीठा चाहिए उतना ही आप डालें। अगर कम मीठा चाहिए तो उसको कम डालें, ज़्यादा खट्टा चाहिए आपको अचार, लेकिन ऐसे अचार बनाओगे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये चपाती और दाल और राइस के साथ ही बहुत टेस्टी लगता है ये अचार। अभी इसको हम लोग कम से कम 10 या 15 मिनट तक इसको अभी बॉइल करेंगे, जैकरी के बीच में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हम मिलते हैं अभी बाद में, दिखाते हैं आपको कि कैसे अचार को बनाते हैं इसको, कि कैसे बनता अचार, कि कितना मस्त कलर दिख रहा है अचार का। देखिए अचार बन गया, ये इसको ठंडा करेंगे उसके बाद दिखाएंगे आपको कैसा अचार बना है। अभी तो पानी बहुत ज़्यादा है इसमें, ये जो जैकरी डाला ना तो उसका पानी निकला है और थोड़ी सी खटाई का भी पानी निकला है, तो ठंडा होने के बाद ये ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है अचार ये, और इसको ना यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आएंगे तभी इसको कंटेनर में डालेंगे। और ये जो अचार है कढ़ाई में बनाया जाता है, आयरन की कढ़ाई में बनाया जाता है, ये देखिए आयरन की कढ़ाई ये, और दूसरी कढ़ाई में नहीं बनाया जाता क्योंकि उसका जो टेस्ट है ना अलग हो जाता है। और इसमें भी ठंडा होने के बाद तुरंत कंटेनर में डालना पड़ता है ताकि जो आयरन का ये जो आयरन है इसका जो है कट ना लगे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये अचार। तो आप भी ट्राई करें इस अचार को बनाने में और बताएं कि आपको ये अचार कैसा लगा है। ये तो परांठा चपाती और राइस और दाल के साथ बहुत टेस्टी लगता है, ज़्यादातर तो परांठे के साथ बहुत अच्छा लगता है ये अचार, ये खट्टा मीठा अचार होता है ना, और मुझे देख के वैसे भी मुँह में पानी आ रहा है। तो ये तुरंत खाने वाला अचार है, इसको आप अभी भी खा सकते हैं इसको, और 1 या 2 हफ्ते के बाद तो बहुत अच्छा बन जाता है यानी कि टेस्टी बन जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा हल्का अभी सॉफ्ट नहीं हुआ है लेकिन आप खा सकते हैं इस वक्त। तो अभी ठंडा होने के बाद भी बताएंगे आपको कि कितना थिक बन गया। ये देखिए पहले कितना था पानी जैसा, अभी ज़्यादा नॉर्मल थिक हो गया, अभी ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा ये।
और इसका जूस ना और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। ये तो ये देखिए अचार बन गया। तो ये अभी थिक हो गया देखिए, तो अभी इसको कंटेनर में डाल देंगे हम। वो ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बना ये अचार। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको ये अचार की बनाने की विधि कैसे लगी है। तो इसी की साइड वीडियो का एंड कर रही हूँ और आपको ना एक और बताती हूँ। ये देखिए हमने लहसुन का अचार भी बनाया साथ में। ये लहसुन को फ्राई किया है फिर डाला। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो शेयर करने की कोशिश करूँगी मैं। और ये देखिए तो इसी के साथ वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टिल देन बाय बाय।